नमस्कार दोस्तों, भूमि जानकारी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, पिछला ही वीडियो में हमने आपसे बात किया था कि जामबंदी जो होते हैं ब्लॉक में, वो आपको कैसे जांच करना है, यानी कि वो किस डॉक्यूमेंट के आधार पर जो है जामबंदी कायम है। वो डॉक्यूमेंट पहले आप जांच कीजिएगा, तभी ना आपको पता चलेगा कि हाँ ये जामबंदी सही है या बिल्कुल गलत जामबंदी है। तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट की जाँच करना होगा। और डॉक्यूमेंट की जब बात आई थी तो हम आपको बताए थे कि आपको केवाला और जो खतियान होता है वो दोनों आपको पहले जाँच करना होगा। और जब ये जाँच करना होगा तो सबसे पहले अगर आपको खतियान पढ़ने आएगा तब ना जो है आप जाँच कीजिएगा। तो हमने आपको पढ़ने के लिए खतियान लगभग बता चुका हूं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में जो भी खतियान संबंधित थोड़ा बहुत बच गया है वो हम बात कर लेंगे। उसके बाद जो है हम केवाला आपको पढ़ने के लिए सिखाएंगे। जितना भी पुराना केवाला होंगे सब आप पढ़िए, क्योंकि इतना आसान तरीका में हम बता देंगे, झट सुकून आप पकड़ लीजिएगा कोई किसी भी जमीन का। तो इसके बाद में मात्र एक ही वीडियो केवाला संबंधित आएंगे और उसमें सारे खत्म हो जाएंगे। खतियान में तीन वीडियो मैंने इसलिए लाया, इसमें बहुत सारे जो है डाउट होते हैं लोगों को और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि वंशावली संबंधित भी जो है खतियान बहुत सारे लोगों का बना हुआ है पूर्वजों के नाम से खतियान, और वो अपना अभी हिस्सा छाटना चाह रहे हैं तो कैसे छाटेंगे। और वो जामबंदी मान लीजिए पूर्वजों के नाम से नहीं कायम करके अभी मान लीजिए किसी दूसरे के नाम से कायम है तो सत्यापित कैसे करेंगे, ये सब तो डाउट उनका रहे करेगा। तो जब तक वंशावली के अनुसार से अपना हिस्सा नहीं छाट लेते अभी करंट के अब कितना हिस्सा है और वो जोत कोड़ कर रहे हैं और उसका रसीद वो नहीं कटा पा रहे हैं, तो इस वीडियो के बाद उनको हो सकता है कि थोड़ा बहुत हेल्प मिल सके, क्योंकि वो सारा जमीन जो है इस वीडियो के बाद वो खुद से छाट लेंगे और वो जाकर देख सकते हैं ब्लॉक में भी कि उतना जमीन जो है मेरा रसीद कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर वहां पर रसीद नहीं कट रहा है तो उनको आगे क्या करना है आपको बता देंगे। जैसे कि दोस्तों, पिछला ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये पुराना खतियान आपको कैसे पढ़ना है, इसमें सारा डिटेल जो जो लिखे होते हैं सब हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे। ये जो दखल का जो कॉलम है जो कि कैफियत कॉलम होता है, इसमें आपको जिसका भी रायत का नाम होगा, इसमें मान लीजिए आपके पूर्वज के नाम होंगे तो नाम आपको पकड़ लेना है। अब आपको कैसे पकड़ना है नाम, देखिए बहुत सारे अगर रायतों के नाम से अगर बना हुआ होगा, मान लीजिए अगर जो खतियान जो है मोहन सिंह के नाम से बना है, यहाँ पर जैसे कि आप बता रहा हूँ मोहन सिंह के नाम से जो है यहाँ पर खतियान बना हुआ है और इनके पुत्र चार हैं और इन चारों पुत्र के नाम से जो है खतियान में दखल दिया हुआ है कि जो है ए का इतना है, बी का इतना है, सी का इतना है, डी का ये प्लॉट नंबर है, यहाँ पर दखल दे दिया है कॉलम में, इस कॉलम में जो है दखल दे दिया गया है इसमें। तो उस कॉलम में मान लीजिए जिसका ए बी सी डी जिसका भी दखल दिया है, आपको मान लीजिए जिस अंश के होंगे, मान लीजिए डी के होंगे तो डी का मान लीजिए यहाँ दखल दिया होगा ना, तो आप डी को अलग एक सादा पेपर पर जहाँ जहाँ भी खतियान कॉलम में डी, मान लीजिए इसमें डी आया तो डी का नाम आपको ले लेना है और उसके सामने वाले जो भी प्लॉट होंगे ये प्लॉट आपको नोट कर लेना है। फिर अगर आपको देखना है फिर डी आएगा तो आपको डी आपको नोट कर लेना है। और दोस्तों ध्यान देना है कि जिसका हेडिंग के नाम से मान लीजिए ए के नाम से हेडिंग बनाया होगा, चाहे उनके पिताजी के नाम से बनाया होगा तो सही है, लेकिन ए बी सी डी के नाम से अगर चारों में से किसी का अगर हेडिंग नाम बनाया हुआ तो कभी कभी खतियान में जो है केवल ब्लैंक रहते हैं इसमें, तो समझ लीजिए कि जिसके नाम से हेडिंग बना हुआ है उसी का वो जमीन है, उसके सामने वाला आपको प्लॉट उसको अलग छाट लेना है। मान लीजिए दोस्तों आप बी के वंशज हैं, यहाँ पर बी के अगर आप वंशज हैं, मान लीजिए एफ हैं आप बी के वंशज, आप चाह रहे हैं कि नहीं बी के नाम से जो है खतियान बना हुआ है हम अपना हिस्सा कैसे निकालें, तो सबसे पहले आपको आना होगा खतियान में और जितने भी बी के नाम से यहाँ पर दखल दिया होगा जितने भी प्लॉट होंगे इसमें दखल आपको देख लेना है, और इतने सामने जितने भी बी के नाम से दखल दिए होंगे, इसके सामने अगर बी लिखा है तो बी के नाम से जितने भी दखल दिए होंगे वो आपको नोट कर लेना है। आप ध्यान दीजिए, दखल जैसे यहाँ पर शिव महतो लिखा हुआ है ना, तो अगर यहाँ आपका बी लिखा रहेगा तो समझिए कि इसके नाम से जो भी प्लॉट रहेगा, जो भी आपका नाम है, जिसका भी आप वंशज हैं, अगर उस वंशज का अगर इसमें दिया होगा, अगर उस आपका दादा परदादा का नाम इसमें दिया होगा तो आपको सामने वाला प्लॉट जो है आपको सादा ब्लैंक पेज पर लिख लेना होगा, ये ध्यान दीजिए। मान लीजिए दोस्तों अगर बी के नाम से अगर दखल आपके खतियान में दिया हुआ है तो आप बी के जितने भी हिस्सा हैं एक चार कॉलम बनाएगा, इसे आप चिन्ह पार लीजिए आप एक ब्लैंक पेज पर, और इसमें आप खाता नंबर, इसमें आप प्लॉट नंबर और ये आप डालते जाइएगा, इसमें आप चाहें तो आप रकबा भी लिख सकते हैं कि कितना डिसमिल जमीन है, इस तरह से जो है आप पारते जाइएगा टोटल जमीन आप कल खतियान से निकाल लीजिए कि बी के नाम से जो है कितना जमीन इसमें है, टोटल आप निकाल लीजिएगा, टोटल जितना भी जमीन आएगा बी का आप वंशावली बनवाइएगा। अब बी का वंशावली आपको कैसे बनवाना है, देखिए जैसे हम वंशावली यहाँ पर लिखे हुए हैं तो बी के कितने पुत्र हैं, तीन पुत्र हैं, अगर मान लीजिए आप भी तीन पुत्र होंगे, चार पुत्र हैं, जितने भी पुत्र हैं तो यहाँ से आपको सिंपली ड्रॉ कर लेना है और जितने भी हैं उसमें आपको जितना टोटल आएगा उसमें से भाग दे देना है, जितने पुत्र के अंश होंगे जैसे ई एफ जी तीन अंश हैं यहाँ पर तो तीन से यहाँ पर भाग दे देंगे जितने भी टोटल जमीन बी के खतियान में दखल आया, और जितना वो जमीन आएगा वो आपका मान लीजिए एफ अगर आप हैं तो आपका जो है वो जमीन हो गया, क्योंकि तीन से आप डिवाइड कर दें, उनका हिस्सा छाट दें, आपका हिस्सा निकल गया वहाँ पर। टोटल जमीन दोस्तों निकलने के बाद आपको आपको करना क्या होगा कि यहाँ पर आप आइएगा और खाता देख लीजिएगा, और ये खाता आपको जितना यहाँ पर खाता आपका खतियान में दिया होगा उतना खाता में जितना आपका टोटल जमीन वहाँ पर निकला उतना का अगर ब्लॉक से आप रसीद कटाते हैं, उस खाता का अगर रसीद आपसे नहीं कटता है तो मान लीजिए कहीं ना कहीं जामबंदी में आपका गड़बड़ है।
अब गड़बड़ के प्रक्रम में आप लोग ये सोच रहे होंगे कि गड़बड़ है कि सही है, ये कैसे हम पता करें। तो देखिए वहाँ पर हो सकता है कि आप बी के जो है वंशज हैं और बी का जो कोई और जो आपका पटीदार होगा वो कहीं बेच दिया गया, यानी कि जमीन हस्तांतरण किए होंगे, कहीं हो सकता है कि आप भी बेच खरीद किए होंगे, चाहे आपके वंशज भी बेच खरीद, जरूरी नहीं है। तो वहाँ पर हो सकता है कि आपका रसीद कम कटे, तो उसको भी आपको जाँच करना होगा। तो ये अगर सारे प्लॉट में इसीलिए आपको शेड्यूल बना रहा हूँ, जो ये आपको मैं बताया कि यहाँ पर आप खाता नंबर लिखिएगा, प्लॉट नंबर लिखिएगा, इधर आगे, इसीलिए मैं एक ब्लैंक पेज पर बना रहा हूँ कि जितने भी आप रसीद वहाँ पर कटवाइएगा तो आप पता कीजिएगा कि इस प्लॉट में से कितना रसीद कट रहा है, इस प्लॉट में से कितना रसीद कट रहा है, इस प्लॉट में से कितना रसीद कट रहा है। उनसे बखूबी आप पूछिए कर्मचारी से, क्योंकि आपके खाता से टोटल वो काट रहे हैं, तो उनसे पूछिए कि सारे प्लॉट में से मुझे कितना कितना जो है जमीन यहाँ पर कट रहा है। अगर आपका नहीं कट रहा है, अगर टोटल मान लीजिए बी के नाम से रसीद कट रहा है, तो टोटल आप बी के नाम से रसीद कटाइए, और वहाँ पर अगर कम कट रहा है तो आप पूछिए कि आखिर इतना कम रसीद क्यों कट रहा है। तो वहाँ पर वो बताएंगे नाम कि है फलानवा के व्यक्ति के नाम से इतना जमीन जो है हस्तांतरण हुआ है, इस व्यक्ति के नाम से इतना हस्तांतरण हुआ है। तो वहाँ पर जो है उनसे आप जो है उनसे जो है आप क्या कर सकते हैं कि केवाला की आप मांग कीजिए और वो जाँच करिए। अगर वो केवाला आपको सही लगता है कि नहीं मेरे वंशज जो है बी जो है, चाहे बी के कोई और आपके भाई जो है मान लीजिए एफ के जैसे ई चाहे जी कोई अगर बेच दिया है, केवाला में लिखे गए होंगे कि हाँ भाई जो है जमीन बेच दिए हैं, तो आपको वहां पर कुछ नहीं करना है, उनका हिस्सा जो है अलग कर देना है, अपना जितना हिस्सा आएगा मंसाले के अनुसार से आपको वहां पर रसीद कटा लेना है और वो आपको रसीद रख लेना है। कुछ केस में क्या होता है दोस्तों कि इस खाता नंबर का आप रसीद कटाते हैं तो आपको रसीद बिल्कुल नहीं कटता है, बहुत कम कटता है, वहां पर आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान देना है, आप लोग एक चीज सोचिएगा कि जितने भी इस खाता में वंशज हैं चाहे जो भी आपके परिवार होंगे, तो आपके परिवार के तो सब आप नाम जानबे करते हैं। अगर मान लीजिए एक में कट गया रसीद कम कट रहा है, तो फिर भी सोच रहे हैं कि सबका तो नाम हम जान ही रहे हैं। तो एक चीज़ वहाँ पर कर्मचारी से बखूबी पूछिए कि आखिर जो ये जमीन कम कट रहा है और जमीन जो है किसके नाम से हस्तांतरण हुआ है इस खाता का, तो वहाँ पर रैयत का नाम बोलेंगे, इस व्यक्ति का नाम जो है बता रहे हैं। तो वहाँ पर अब बखूबी जान जाइए कि ये व्यक्ति तो हमारे परिवार से नहीं है, इसका तो हमारा खतियान से लेना देना कुछ नहीं है, आखिर इसका रसीद कट क्यों रहा है, जमानबंदी क्यों है, क्योंकि आप अभी कुछ नहीं जानते हैं, आपको कोई डॉक्यूमेंट के बारे में नहीं पता है। तो उनसे आप जाके मिलिए और उनसे केवाला का मांग कीजिए, चाहे आप हो सकते हैं तो कर्मचारी से पूरा डिटेल ले लीजिए कि नहीं इसका नकल अगर मिल जाएगा आपको तो ज़्यादा बेटर है, अगर आप उनसे पूछिए कि इनका अगर नकल हमें मिल जाएगा ब्लॉक से तो ज़्यादा बेटर है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर जिनका नहीं मिलता है तो वह जाकर रायतों से आप मांग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप अपना जमाबंदी को अच्छे ढंग से जो है आप वेरीफाई कर पाएंगे, और इस तरह से अगर आप वेरीफाई कर देते हैं और सारे डॉक्यूमेंट आप उपाय कर देते हैं, जो जो डॉक्यूमेंट इस खाता से हस्तांतरण हुए हैं, जो भी मतलब जमीन प्लॉट बिक गया है, वो सारे डॉक्यूमेंट अगर उपाय कर लेते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट के साथ और एक खतियान के साथ, आप उसी दिन जो है आप एक कर्मचारी के पास जाइए, उनके पास पटकिए और कहिए कि ये रैयत का मैंने लाया, आप खुद देखिए कि सही है कि गलत है। वो देख लेंगे, अगर उनको लगेगा कि नहीं ये जितने भी रैयत हैं इनका जमीन इतना ही है, आपका जमीन इतना है, अगर सारे वहाँ पर दिस्ता के साथ लोकेंगे तो खुद जो है अगर वो कर्मचारी नहीं कहेंगे तो सीओ के पास चले जाइए दोनों डॉक्यूमेंट लेकर, जितने भी हस्तांतरण हुए हैं आपके पास सारे के वाले हैं जो नाम बोल रहे हैं वो, और जितना आपका खतियान है दोनों आपके सामने है, आप उनका रसीद काटना यहाँ पर मजबूरी हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको पारदर्शिता के साथ यहाँ पर काम कराना होता है। नहीं तो दोस्तों अगर इस तरह से आप काम नहीं कराएगा तो आप दौड़ते रहिएगा, और पुराने खतियान का आप रसीद अगर कटवाने के लिए सोच रहे हैं तो आप वो कभी भी कर्मचारी नहीं काटेंगे, क्योंकि उनको भी पेचीदा मामला लगेगा, उनको भी लगेगा कि कुछ पता होता नहीं चलेगा। लेकिन अगर सब डॉक्यूमेंट के साथ उनको पारदर्शिता के साथ दिखा देंगे तो आपका रसीद कट जाएगा और आप भी संतुष्ट हो जाएगा कि हाँ जमाबंदी जो चल रहे हैं सही ढंग से सब चीज़ चल रहा है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। एक चीज़ दोस्तों आप लोग ये पूछते हैं कि हम जब म्यूटेशन कराते हैं चाहे कोई आवेदन देते हैं जमीन संबंधित दाखिल खारिज वगैरह कराने के लिए, तो उस समय वंशावली हम कैसे बनवाएं, क्योंकि वंशावली बनवाते समय बहुत सारे लोग ये डाउट करते हैं। जब वंशावली में ला दिया हूँ तो चलिए मैं दो मिनट इस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों जिसके नाम से खतियान में दखल दिया गया है उसी के नाम से आपको वंशावली स्टार्ट करना होता है। अगर आप चाहें तो एक दो वंशज ऊपर के नाम से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद के वंशज से आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये मोहन सिंह है और इनके नाम से दखल दिया है वंशावली में, तो इनके जितने भी वंशज अभी होंगे वो आपको इस तरह से आपको लिखना होगा। मान लीजिए इनके चार पुत्र हैं तो आपको चार पुत्र लिखना होगा, उसके बाद जिस भी पुत्र के आप वंशज हैं उसको आपको सेलेक्ट करके, उसका जितना भी आपके भाई हैं उसको आपको सेलेक्ट करना, और उस भाई के मान लीजिए कोई लड़का है तो आपको इस तरह से आपको लिखना होगा। तो ऐसे जो है आपको वंशावली बनाना होता है, यानी कि जो खतियान में दखल नाम दिया है उसी के नाम से आपको वंशावली बनाना होता है। अब ये कहिए कि दखल के नाम से तो हम बना देंगे, लेकिन अभी जो सर्वे हो रहे हैं उस समय वंशावली तो हम अपने जो आवेदन करता है उसके नाम से मांग रहे हैं, तो वहाँ पर होता यही है कि आप बनाना तो आपको उसी से है दखले के नाम से,
बस आपको करना क्या होता है कि मान लीजिए अगर एफ से, मान लीजिए अगर अभी सर्वे में अपने नाम से करवाना चाहते हैं और इनके ऊपर के जितने भी वंश हैं सभी जो है मृत हो गए यानी कि मर गए हैं, तो अगर ये चाहता है कि अब हम अपने नाम से जो है अब इस सर्वे में करा दें, तो इसको जो है इसी तरह से बनाना होगा क्योंकि इसका मोहन सिंह के नाम से दखल है। तो एफ क्या करेगा कि ऐसे स्टार्ट करेगा क्योंकि मोहन सिंह के नाम से उसका खतियान में नाम है, यहाँ से स्टार्ट करेगा, इसका चार पुत्र लिखेगा, जिस भी पुत्र का वो पुत्र होगा वो वहाँ पर लिख डैश मारेगा, यहाँ पर क्लिक करेगा, यहाँ पर एक एरो का चिन्ह दिख के डालेगा आवेदक, मतलब कि इस सर्वे में हम ही आवेदक हैं, अब हमारे नाम से जो है सर्वे होना चाहिए। वो इस तरह से वंशावली बनाकर जो है सर्वे में जमा कर देगा स्वघोषणा के साथ। तो वंशावली संबंधित आप कोई डाउट मत रखिए, जिसके नाम से खतियान में दखल दिया गया उसी के नाम से आपको शुरू करना है। मुझे आशा है दोस्तों कि वंशावली बनाने के लिए तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि आप खुद उतना आपको एक्टिव होना चाहिए कि वंशावली कैसे बनता है, क्योंकि जो दखल नाम दिया रहेगा खतियान में उसी के नाम से आप वंशावली बनाइएगा, ऐसा तो नहीं है किसी के नाम से आप वंशावली बना सकते हैं, उसी के नाम से आपको वंशावली बनाना होगा। भले आप आवेदक करता है, आप अभी जीवित हैं, आप वहाँ पर एरो मार के आवेदक लिख दे सकेंगे, हाँ हम जो है आवेदक हैं, इनके पुत्र हैं, इनके हमारे दादा ये हैं, दादा के परदादा ये हैं, इन्हीं के नाम से दखल है, इस तरह से वहाँ वंशावली बनता है। ऐसा नहीं है कि अभी आप हैं तो आपके नाम से वंशावली बन गया, जिसका खतियान में नाम दखल में दिया है उसके नाम से वंशावली बनेंगे, अगर उसके आप पोता हैं पोत्री हैं तो वहाँ पर आप आवेदक करता आप लिख सकते हैं। मुझे आशा है दोस्तों कि आप जो है खतियान से जितने भी जमीन होंगे आप जो है छाट सकेंगे अब, और छाटने के बाद आपके नाम से कितना ज़मीन पड़ेगा वो आप निकाल लेंगे, और निकालने के बाद आप जाकर ब्लॉक में सारे डॉक्यूमेंट पेश करके अपना रसीद कटा सकेंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे तो आप लाइक कर लीजिएगा, अभी तक मेरे ज्ञान तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।